वेलकम टू माय चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास में एक ईयरबड्स है जिसमें कि ये प्रॉब्लम है कि इसका जो है एक साइड वर्किंग में है और एक ईयरबड्स जो कि नहीं चल रहा है। तो गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे कि आप अगर आप पे कोई भी ईयरबड्स है जिसका एक नहीं चलता एक चलता, उसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, जिससे कि हमारी नई नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा वो ईयरबड्स है जो कि नई वर्किंग में है। सबसे पहले आपने इसको ओपन कर लेना। सो गाइस, सबसे पहले इसको आपने कोई भी ऐसी आपने तीखी चीज़ ले लेनी है, उससे आपने इसको आराम से ओपन कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ओपन हो गया है। तो सबसे पहले गाइस, आपने इसकी बैटरी चेक करनी है। तो मैं इसको ओपन करके आपको बैटरी चेक करके बताता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको ओपन कर लिया है। तो गाइस, सबसे पहले जो आपने है इसमें बैटरी को चेक करना है, आपने अपना मल्टीमीटर ले लेना, उसको 20-20 की रेंज पे आपने सेट करना है। और फिर आपने ये जैसे ब्लैक वायर है तो आपने ब्लैक को रखना है, रेड पे रेड को रखना है और आपने बैटरी को चेक करना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, 0.60। तो गाइस, ये बैटरी अभी क्या है, डेड है। तो सबसे पहले हम इस बैटरी को रिप्लेस करके देखेंगे गाइस। सो गाइस, देखते रहिए, चेंज करके मैं दिखाता हूँ। सो गाइस, आज मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ जिसको देख के आप ये पता कर सकते हैं बैटरी आपकी ठीक है या ख़राब है, कोई भी 3.7 वोल्ट। सो गाइस, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में ये एक चार्जिंग मॉड्यूल है टाइप सी वाला, जो कि किसी भी 3.7 वोल्ट से बैटरी चार्ज करता है। तो गाइज़, मैं इसकी मदद से आज आपको ये बैटरी टेस्ट करके बताऊंगा ये बैटरी ठीक है या बैटरी हमारी ख़राब है। सो गाइज़, वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको कनेक्शंस भी बताऊंगा। सो गाइज़, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम वायर्स को डिसोल्ड कर लेते हैं। सो गाइज़, हमने इसको डिसोल्ड कर लिया है, अब हम बैटरी को चेक करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने अपने चार्जिंग मॉड्यूल के साथ इसके कनेक्शन कर लिए हैं। तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा, तो जैसा आप देख सकते हैं, रेड लाइट जल रही है, तो यानी कि बैटरी हमारी ठीक है और चार्ज नहीं है। अगर यहाँ पे आपको ब्लू कलर की इंडिकेशन आती है तो देन आपकी बैटरी ख़राब है। तो गाइस, वीडियो को देखते रहिए, मैं थोड़ी देर अपनी बैटरी को चार्ज करूँगा एंड फिर आपको बताऊँगा। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी LED है रेड से ब्लू हो गई है, तो यानी कि हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। तो हम अब इसको टेस्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस बैटरी को चार्ज कर लिया था, आपको दिखा दिया था। तो हम अब इसको चेक करते हैं मल्टीमीटर को, फिर से भी ऐसे 20 की रेंज पर रखेंगे, फिर आपको ये चेक करना है। तो गाइस, ये मैंने उल्टा लगा लिया, इसको सीधा करके ये देखिए गाइस, तो 4.6 वोल्ट हमारी बैटरी चार्ज हो गया। तो हम इसको वापस से इंस्टॉल करते हैं, देन फिर आपको चेक करके दिखाते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ये ऑन हो चुका है बैटरी लगाते ही। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हमने कैसे इसको रिपेयर किया, वैसे ही आप अपने घर पे इजीली अपने एयरपोर्ट्स को रिपेयर कर सकते हैं।